बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी, आपने एक विचारणीय बात रखी कि अगर हम प्रबंधन के बीच में और पत्रकारों के बीच में कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने विषय करके बिंदु रखा और ये भी आप सोच रही हैं कि आपने बहुत कम वक्त में अपनी बात कही। देखिए, हमारे बीच में ये सब वरिष्ठ वक्तागण हैं और इन सब की बातें हमको सुनना बहुत जरूरी है। इनसे, इनके अनुभवों से हमको जो है कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। हमारे बीच में एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनकी बोलने की अपनी एक अलग शैली है, वो है डॉक्टर बी एन पाल साहब। वो बहुत ही देखिए जैसे गागर में सागर भरते हैं, लोग इनकी शैली को समझ नहीं पाते हैं, ये सोचते हैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं। लेकिन हमने इनको देखा कि इनकी चीज में, इनकी बात में गहराई होती है। पाल साहब, हम आपसे आग्रह करेंगे कि दो मिनट में आकर के अपने कोई बात आप शुरू को मिल जाए, क्योंकि आप गणिता के भी हैं, प्रोफेसर हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि आपका सूत्र ही हमारे काम में आएगा। कोई प्रोफेसर 45 मिनट से कम नहीं बोलता है, जो क्लियर बोलता है ये बहुत प्रोफेसर नहीं है। समय के अभाव में, सर के प्रभाव में बगैर किसी ऑप्शन के अपनी बात सीधे सीधे करते रहते हैं। मेरी बात समझ में तब आई, दो मिनट बहुत कम होते हैं। अगर नहीं नहीं अगर दो मिनट नहीं बोला जाता तो मैं एक ही लाइन बोल देता तो उसका ये होता है कुछ चार मिनट का कौन सी चीज छूट जा रही है। डॉक्टर साहब अगर बैठे हैं एक लाइन में, एवरीथिंग इज जस्ट रिवर्स करता रखना, नेत्र पे सारे चित्र उल्टे मिलते हैं, यहाँ पे सब उल्टा होता चल रहा है। मेरी बात तब समझ में आएगी क्योंकि आपके मस्तिष्क में काफी ज्ञान भरा हुआ है, तो मेरी बात सुनने की स्पेस नहीं है। तो उसका एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि अभी भी आपने राष्ट्रीय ध्वज फहराया होगा जिसका नाम है तिरंगा, और ये तिरंगा जो गाना था वो अपने गाँव यही कानपुर से विजयी विश्व तिरंगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये तिरंगा आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाओ जिन्होंने नहीं देखा, जो हाथ नहीं उठा रहे वो भी से क्योंकि तो मेरी आवाज सुनाई दे, और जो हाथ उठा रहे हैं किसने हाथ उठाया, किसी ने तिरंगा देखी नहीं आपने, कितना बेहोशी में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, इतना बेहोश है आप लोग कि आपने तिरंगा झंडा नहीं देखा। मंच पर किसने देखा? तिरंगा जो है चौरंगा भी नहीं ना, सब लोग उसको तिरंगा कहते हैं। और जब मैं पूछता हूँ कि इसमें कितने रंग होते हैं तो बोलते हैं तीन रंग होते हैं। अखबार में भरा पड़ा है, अखबार कितना झूठ लिखता है करके तिरंगा 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 जगह, जबकि वो कम से कम चौरंगा है। कम से कम अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं और आई टेस्ट कराने के लिए तो मुझे थोड़ा बहुत ही कम ज्यादा अगर हो गया तो तुरंत वो टेस्ट करते हैं कि ये नंबर सही होगा। अरे वो हम सबके आदमी है, गणित फिजिक्स सब है, मैथमेटिक्स मदर ऑफ ऑल साइंस सर जो मैथमेटिक्स छोटे। मेरी बात अगर ध्यान से सुनिए, मजाक नहीं तो फिर तो मतलब मिनट दो मिनट के लिए नहीं, फिर इकाल हमारा कर दे। दूसरा सवाल आप मेरे से कर रहा हूँ, अभी लोकतंत्र की बात हो रही थी, उसमें तीन स्तंभ, दो को तो डिक्लेयर कर दिया दादा ने कि वो सड़क हो गए। सच्चाई है कि लोकतंत्र के कितने स्तंभ हैं? पहले मेरा सवाल ये, मैं गलत कह जाती हूँ, लोकतंत्र के कितने स्तंभ हैं? चार ही हैं, तीन ही हैं केवल, कार्यपाल का, न्यायपाल का और विधायक का, मीडिया तो उसका है ही नहीं। इसके लिए मैं 8 जून 2014 से लगातार अभियान चला रहा हूँ कि इसको भी लोकतंत्र का एक स्तंभ संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और छोटी ये प्रेस क्लब है, मैं सवाल पूछता हूँ आपसे कि दुनिया में कहीं कहीं कोई प्रेस वार्ता हुई है? प्रेस वार्ता होती नहीं, वार्ता का मतलब है दोनों लोगों में जो भी बातचीत होती है उसको रिकॉर्ड किया जाए। सवाल पूछे जाते हैं, काम खिंचाई होती है, एक तरफा लिखा जाता है, अगर किसी ने पूछ लिया उसको तो रिकॉर्ड करते नहीं। पूरी दुनिया में कहीं प्रेस वार्ता नहीं। मैं छोटी छोटी इतने हजारों सवाल करेंगे और ये सिद्ध कर देंगे कि हम अकेले नहीं, पूरा देश भी उसी में चल रहा है, पूरा देश भी उसी में चल रहा है। जैसे सब्जी में नमक नहीं दिखाई देता, मसाला नहीं दिखाई देता, मसाला कभी भी दिखाई दे जाता है लेकिन नमक नहीं दिखाई देता। अगर नमक को माइनस कर दो तो वेज नॉन वेज कोई सब्जी खा नहीं सकती है, ठीक है ना। ऐसे ही सरकार के नाम पर जो हमारे देश में सरकारें तमाम आई गई जा रही हैं,
कभी भी सब्जी में ये नहीं कहते हैं कि हमेशा ही कहते हैं कद्दू की, लौकी की, तुरैया की, नमक की सब्जी कभी नहीं बोलते हैं। ऐसी सरकारें चल रही हैं हमारे बीच में, ये सरकारें नहीं है, ये सरकारें नहीं है। आपके नोट पे रुपया देखा, रुपया आप लोगों ने किसी ने अगर रुपया देखा हो, किसी ने भी देखा हो ना हो तो देख लो, देखने का तरीका मैं बता देता हूँ। उस पर लिखा है भारत सरकार, वो सॉरी गारंटी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा छोटा सवाल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज हमारे संविधान में अप्रूव्ड है? नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक, ये हमारे यहाँ की बैंक ही नहीं। और उसमें लिखा है 100 रुपए का, 100 रुपए, 2000 रुपए लिखा है, वो रुपया है ही नहीं। तो अगर रुपया होता तो नीचे क्यों लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ? रुपया होता है चांदी का सिक्का, रूप मनी चांदी, रुपया मनी चांदी का सिक्का 972 मिलीग्राम का। ये बुजुर्ग प्रायुक्त है इसका, 972 मिलीग्राम का जो है चांदी का जो सिक्का होता है उसको बोलते हैं रुपया। तो गायब है रुपया, सब गायब हो गया। तो एवरीथिंग इज जस्ट रिवर्स ऑर्डर। इतना मैं बहुत सारा अध्ययन करने के बाद और पूरी की पूरी सारी की सारी उसको सबको बदलना है। तमाम तरह जगह व्यवस्था पर तो व्यवस्था पर नहीं, जितनी अव्यवस्थाएं हैं उनको बदलना चाहिए। संपूर्ण व्यवस्था प्रवर्तन अभियान में मैंने सभी समस्याओं के समाधान जीरो चेक किया। कोई भी बीमारी हो, बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं अभी मेरा चश्मा आप देख रहे हो, फिर मेरे वाली चश्मा उतर जाएगा, मेरे महकमा की शिकायत है और ये चश्मा उतर जाएगा। सारी बीमारियों की जड़ का नाम जो है वो एनर्जी का डिफिशियंसी होती है, नेगेटिव एनर्जी। सारी बीमारियों का एक नाम है नेगेटिव एनर्जी। तो बहुत सारी वही तो दादा मुगल है कभी। हाँ, तो आपके लिए बहुत जरूरी है सीनियर सिटीजन के लिए। पंचतंत्र की लोकप्रिय कहानी में मरा हुआ सिर जिंदा हो गया, तो विद्या कमाना, गुड्डा को गुड्डा बनाना, गुड़िया को गुड़िया बनाना, ये हमारे पास विद्या को आ चुकी है। मरा हुआ सिर जिंदा हो सकता है, अभी तो दादा कम से कम 100 साल आपकी उम्र बढ़ा देंगे। लेकिन एक हादसा मान के आपको सुनना पड़ेगा, एक औपचारिकता में ये कार्यक्रम कर लिया और ये सब कुछ करवा दिया जाए, ये काम नहीं चला। चलिए मैं अपनी बात को वाणी को हाँ बिल्कुल वो करा। हाँ नहीं नहीं वो हमें हादसा मानकर, ये इतना बड़ा कार्यक्रम है, ये बड़े स्तर का होना चाहिए और इसके लिए मतलब ये इसके बाद करेंगे क्या जाते हैं आप सब लोग, क्या करोगे, क्या करते हो सरस्वती के साथ? उसका हमें याद है पेपर, कभी आपने अपना नाम लिया है? अपनी लाइन खत्म करता हूँ। विश्व का प्रत्येक प्राणी इन पर्टिकुलर आपकी दृष्टि में आपसे ज्यादा महान इस दुनिया में न कोई पैदा हुआ ना है ना होगा। इस पर जांच लो, पर लो, हमारी सारी लगी तो मरे हुए लोगों पर लगी, लग लग रही खर्च हो रही है सारी लगी, अपने लिए कुछ करिए ना। आपकी दृष्टि में ज्यादा महान न कोई पैदा हुआ ना है ना होगा। विजय हो आपकी, विजय हो आपके माँ बाप की। अगर किसी को आपत्ति हो तो इसका उल्टा सोच लीजिएगा। देवी के साथ में जीवाणी को ग्राम देता हूँ।